ग्लोबल संकेत मिले जुले, कोरोना के मोर्चे पर राहत की उम्मीद से कल अमेरिकी बाजारों में लौटी खरीदारी। 560 पॉइंट की उछाल के साथ बंद हुआ डाउ, एशिया बाजार में मिला जुला कारोबार, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अब और 19 दिन लॉकडाउन में रहेगा पूरा देश। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, नो हॉटस्पॉट जोन में मिल सकती है कामकाज की छूट, आज आएगी डिटेल गाइडलाइंस। कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5:30 बजे। और देश में कोरोना पॉजिटिव 10,800 के पार, अब तक कुल 353 लोगों की हुई मौत। लॉकडाउन के चलते 3 मई तक हवाई यात्रा ट्रेन सेवा रहेगी बंद। दुनिया भर में 20 लाख पहुंचा कोरोना मरीजों की संख्या। उधर अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोकने का भी किया ऐलान। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आज बड़ी ब्लॉक डील, कालाइल बेचेगी करीब 66 लाख शेयर 17% डिस्काउंट पर, यानी कि 1110 रुपए के फ्लो प्राइस पर होगा ये ब्लॉक। CNBC आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव। और विप्रो के नतीजों के साथ आज होगी चौथी तिमाही के रिजल्ट सीजन की शुरुआत। कोरोना के चलते सुस्त तिमाही रहने का अनुमान, लॉकडाउन के असर पर मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी नजर। TCS और HDFC बैंक के नतीजे भी इसी हफ्ते। MSCI के बाद फुटसी ने भी बढ़ाया भारत का वेटेज। इमर्जिंग मार्केट ऑल कैप इंडेक्स में वेटेज 9% से बढ़ाकर अब 10.4% किया। FDI और FII लिमिट में बदलाव के कारण लिया फैसला, 22 जून से होंगे ये बदलाव लागू। कोरोना संकट के चलते अमेरिका में फंसे H1B वीजा धारकों को कुछ राहत, ट्रंप सरकार ने वीजा की अवधि बढ़ाई। भारतीयों को ज्यादा वक्त तक अमेरिका में रुकने की मिलेगी छूट। और बारिश के मोर्चे पर बाजार को मिल सकती है राहत की खबर। आज दोपहर 1 बजे मॉनसून का पहला फोरकास्ट अनुमान जारी करेगा IMD।